करते हैं उस खास बातचीत का, एनटीपीसी की मैनेजमेंट से खास बातचीत। इस खास बातचीत में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आज, मिस्टर ए के झा, चेयरमैन एनटीपीसी के। मिस्टर झा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और शुभकामनाएं आपको इस पदभार को संभालने के लिए। और जी बिजनेस से आपकी पहली बातचीत है और हमें इस बात की खुशी है कि आपके साथ जो बातचीत हो रही है, जी बिजनेस की पहली बातचीत एनटीपीसी चेयरपर्सन का पदभार संभालने के बाद। मैं इस बातचीत को थोड़ा सा उल्टे दौर से शुरू करना चाहता हूँ सर। आमतौर पर हम कभी भी एनटीपीसी से डिस्कशन जब करते थे तो यही होता था कि आपका कैपेसिटी एडिशन कितना हुआ, कितना कैपेसिटी एडिशन करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को, इस बातचीत को मैं इस रूप में शुरू करना चाहता हूँ कि कोल के दाम हिस्टोरिकल अगर आप देखें लो लेवल्स पे हैं, 12 साल के सबसे निचले स्तरों पर कोल के दाम हैं। एग्जैक्टली सर, इसका फायदा कितना एनटीपीसी को पहुंचा है आज की तारीख में? पहले तो गुड आफ्टरनून, और आपके दर्शकों से मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूं, आपको धन्यवाद। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि कोल का जो प्राइस ऑल टाइम लो हुआ है उससे एनटीपीसी को क्या फ़ायदा हुआ है, तो जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी के मॉडल में हमारा जो फ्यूल कॉस्ट है वो पास थ्रू है, तो जो भी कोल का प्राइस डाउन होता है इंपोर्टेड कोल का, वो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, हम कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। हमारी इंपोर्टेड कोल की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक कोल की रिक्वायरमेंट से जो गैप बन जाता है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग सिर्फ इंपोर्टेड कोल खरीदते हैं। तो हमारा डोमेस्टिक कोल का भी पिछले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारी स्टॉक जो है प्लांट के ऊपर में बढ़ी है, जिससे हमें इंपोर्टेड कोल का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ है। तो इसीलिए हम इंपोर्टेड कोल का रिक्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं, जो भी हमारा गैप होता है कोल सप्लाई में, और जो भी हमारा चीप पड़ता है वो सारा का सारा फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू होता है, जिससे कंज्यूमर को एडवांटेज होता है। और चूंकि बिजली का दाम सस्ता हो जाता है तो हमें प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने में आसानी मिलती है, क्योंकि मेरिट रेटिंग में हमारी पोजीशन ऊपर हो जाती है, तो हम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब इस बातचीत में शामिल होने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और जी बिजनेस एडिटर अमीश देगुन भी। अमीश, गुड आफ्टरनून। आज हमें एक मौका मिला है एनटीपीसी के चेयरपर्सन से बात करने का, आपके क्या सवाल है अमीश एग्जैक्टली, और अभी आज आपका पहला प्रश्न क्या होगा एनटीपीसी चेयरपर्सन? जी, एनटीपीसी चेयरमैन मिस्टर झा को सबसे पहले तो वेलकम ऑन बोर्ड सर, आप पहली बार दर्शकों के साथ मुखातिब हो रहे हैं और आपने इस देश के सबसे लोकप्रिय चैनल जी बिजनेस को चुना है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरा पहला सवाल आपसे सर यही होगा कि जब आप एनटीपीसी चेयरमैन बने तो आपको ब्रीफ क्या दिया गया कि आखिरकार एज ए एनटीपीसी चेयरमैन आपका सबसे बड़ा ध्यान किस तरफ होगा? दैट इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, प्लीज गो अहेड मिस्टर झा, ओवर टू यू। देखिए, ऐसा है कि हमारा, जैसा आप जानते हैं, एनटीपीसी का हमारा पूरे जो वैल्यू चेन है उसमें सभी जगह हमारा प्रेजेंस है, तो हमें नहीं, हमें सिर्फ हमको अपनी जनरेशन कैपेसिटी में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देनी है, हमें जनरेशन की कॉस्ट कम करनी है, हमने जो न्यू कैपेसिटी, हम जो 23,000 मेगावाट हमारा ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको टाइम से कमीशन करना है, और जो हमारा कोल, एक कोल माइनिंग का एरिया है जिसमें आपको पता होगा एनटीपीसी को 9 कोल माइनिंग दी गई हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको उसमें प्रोडक्शन शुरू करना है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग इस साल अपने पहले माइन में साल के अंत तक प्रोडक्शन चालू करने की संभावना देख रहे हैं। तो ये हमारा मेन चैलेंज यही है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड हाउ टू स्टार्ट द कोल माइनिंग एंड हाउ टू ब्रिंग माई प्लांट्स इन टाइम। इसके अलावा एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी में एक 10,000 मेगावाट का टारगेट अपने लिए रखा है अगले 5 सालों में, जिसके तहत हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। 250 मेगावाट हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और 1,250 मेगावाट का टेंडर ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको हम लोग इस साल के अंत तक ऑर्डर कर देंगे। तो ये हमारे मेन चैलेंजिंग एरिया है जो मुझे इस कार्यभार को संभालने के बाद में इमीडिएटली इसको देखना है। सर, आपने कहा कि आपको जो 9 माइंस दी गई हैं उसमें से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक बात आती है बींग रीजनेबल, जब आपको कोयला 12 साल के सबसे सस्ते दामों पर बाहर से मिल रहा है तो क्या आप डोमेस्टिक जो कोल, आपका प्रोडक्शन है उसको, उस पर कहीं ना कहीं गोस्ट हो जाने की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कुछ सालों के लिए? ऐसा है कि जब हम कोयला के दाम की बात करते हैं कम होने की इंपोर्टेड कोल की, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो
एक्सचेंज रेट वेरिएशन हुआ है जिसकी वजह से डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट फेवरेबल नहीं रहा है, तो कुछ हद तक वो नलीफाई हो गया है। दूसरा है कि हमारा लोकल फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होता है, और तीसरा जो सबसे प्रमुख बात है कि हमारे जो भी पावर प्लांट हैं वो डोमेस्टिक कोल के लिए डिजाइन किए हुए हैं। आपको पता होगा कि पावर प्लांट का डिजाइन स्पेसिफिक कोल के हिसाब से होता है, तो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम कितना इंपोर्टेड कोल उसमें ब्लेंड कर सकते हैं, और अभी भी जो डोमेस्टिक कोल के प्राइस हैं वो इंपोर्टेड कोल से सस्ते ही पड़ते हैं। इसीलिए हमने आपको कहा शुरू में कि हम इंपोर्ट उतना ही करते हैं जितना हमारा डोमेस्टिक में शॉर्टफॉल होता है। जी अब मिस्टर झा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उसको लेकर काफी मीटिंग्स भी करी। सरकार बिजली सेक्टर और राज्य बिजली बोर्ड के का रिवाइवल करना चाहती है, आप भी ये बात जानते हैं, और उसको लेकर काफी सरकार चिंतित भी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते लास्ट वीक भी कई सारी मीटिंग्स करी थी। क्या आपको लगता है कि सरकार का कदम सही दिशा में है, एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स विल कम, एंड इन व्हाट टाइम फ्रेम? मिस्टर झा, ओवर टू यू। मुझे लगता है कि सरकार का जो कदम है जो सुधार के क्षेत्र में वो बिल्कुल सही दिशा में है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इसकी मॉनिटरिंग कितनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि पहले भी बेल आउट स्कीम्स दिए गए हैं बट इस बार बेल आउट स्कीम नहीं है, और ये एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और जो दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना जो है उसके तहत जो भी किया जा रहा है उसमें जब हम इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की बात करते हैं तो मीटरिंग की बात करते हैं, सब ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो हमारी एटीएनसी लॉसेज हैं वो डेफिनेटली कम होंगी। आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है हमारे स्टेट डिस्कॉम्स का, बैड फाइनेंशियल हेल्थ का, उसका मेन रीज़न है हमारे एटीएनसी लॉसेज, जो आप नोटिस करेंगे कि पिछले कई सालों में ये घटा है, लेकिन अभी भी इसका स्तर जो है ये वैरी कर रहा है 14% से लेके 30% तक। इसको और भी कम करने की ज़रूरत है, और ये तभी कम होगा जब हमारा आईपीडीएस स्कीम सक्सेसफुल होगा, और हमारा जो घर घर बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है और मीटरिंग का जो कार्यक्रम है, अगर हम जितनी बिजली खरीद रहे हैं उतनी की हम मीटरिंग कर लें और सबकी बिलिंग कर लें तब हम रियलाइजेशन कर लें, तो ये जो लास्ट चेन लास्ट माइल में जो प्रॉब्लम है बिजली सेक्टर की ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और इस मामले में मैं फील करता हूँ कि सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है कि इन्होंने कहा है कि हम कोई इसमें बेल आउट नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको अपनी विल पावर दिखानी पड़ेगी, पॉलिटिकल विल, पर आप इस देश के चाहते हैं जैसा में जो भी मदद हमारे से होगी। आप एनटीपीसी चेयरमैन हैं और आप इस देश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, क्या आपको लगता है राज्य इस खर्चे को उठाने के लिए तैयार होंगे? क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पावर मंत्रालय, पीयूष गोयल पावर मंत्री, क्या इन लोगों को मना लेंगे या फिर मोदी सरकार मना लेगी? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई नो इट इज अ टफ क्वेश्चन फॉर यू, बट स्टिल व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स? देखिए, हाँ नहीं, पॉलिटिक्स के अलावा भी देयर कैन नॉट बी ए बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स, ये अभी जानते हैं। तो जब संसाधन पर जोर पड़ता है तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपने आप चेंज हो जाता है। तो इस केस में आप देखे होंगे कि पिछले 10 सालों में अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसी पॉलिटिकल सेटअप में सर्टेन स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, और उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉस नहीं के बराबर, जीरो कर लिया या कुछ प्रॉफिट में भी चले गए। तो आई डोंट सी एनी रीजन दैट व्हाई द अदर्स कैन नॉट डू द सेम थिंग विदाउट लूजिंग द पॉलिटिकल माइलेज। तो अगर आप किसी को 24/7 बिजली देते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट, तो कोई नहीं चाहता है कि वो बिजली की चोरी करे, क्योंकि जब बिजली की चोरी होती है आपके पास पैसे नहीं होते हैं, डिस्कॉम बिजली कम खरीदता है, लोड शेडिंग होता है। आप नोटिस करेंगे कि दिल्ली में या नोएडा में या गाजियाबाद में सोसाइटीज में डीजी सेट 100% बैकअप इज ए वेरी गुड मार्केटिंग पॉइंट, जहां पे लोग 19 रुपये पर यूनिट की बिजली खरीदते हैं लेकिन 4 रुपये या 5 रुपये की बिजली उनको स्टेट डिस्कॉम नहीं देती है। तो ये सोचना गलत है कि पॉलिटिकल में इस पर कोई फर्क पड़ेगा, ये माइंडसेट की बात है। और जब ऐसे एग्जाम्पल आ गए हैं कि 4 या 5 स्टेट जो अच्छी तरह से दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हेल्दी होता जा रहा है, तो बाकी सेक्टर्स भी, बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। खास करके अगर आप एक स्टेट बीच में जी, अच्छा कर रहा है और उसके अगल बगल के 4 स्टेट हैं जो खराब कर रहे हैं, जो अच्छा स्टेट है उसमें 24/7 बिजली मिल रहा है रीजनेबल प्राइस पे, तो बाकी 4 स्टेट अपने आप को कितने दिन रख सकते हैं?
इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ टाइम की बात है, अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन होकर रहेगा। वेल सेड मिस्टर झा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला कि वाकई जब चार पांच स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दबाव होगा और आपको अच्छा काम इसलिए भी करना होगा अगर आप 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। चलिए मैं 24 घंटे बिजली के की बात तक आऊंगा, लेकिन वीरेंद्र मेरे सहयोगी का एक सवाल है। वीरेंद्र, व्हाट इज द क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। एग्जैक्टली आपने कहा क्योंकि लोअर जो कोल प्राइसेस है उसका बेनिफिट आप पास ऑन कर रहे हैं, एसएमईज की तरफ से बीते 6 से 7 महीने में क्या डिमांड काफी बढ़ी है? डिमांड पिछले साल के रिस्पेक्ट में आप अगर पहला क्वार्टर देखें तो डिमांड नहीं था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में डिमांड हमारा बढ़ा है। और ये जैसा कि हम जान रहे हैं कि डिमांड दो चीजों से डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारा जो मॉनसून का बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर हमारा डिमांड डिपेंड करता है, और दूसरा जो डिमांड डिपेंड करता है कि डिस्कॉम्स की परचेजिंग पावर कितनी है। क्योंकि डिस्कॉम के पास दो अल्टरनेटिव होते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, या तो वो ज्यादा बिजली खरीदें और पैसा न दें जनरेटर को, और दूसरा यह है कि वो सेल्फ रेगुलेट करें। तो जनरली ये डिसिप्लिन कम से कम स्टेट सेक्टर में आया है कि जितना उनकी पैसा देने की कुवत है उतना ही बिजली वो खरीद रहे हैं, उसकी वजह से भी डिमांड पे कंस्ट्रेंट पड़ा है। लेकिन हमको लगता है कि जैसे जैसे उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी वैसे ही डिमांड की पोजीशन और बढ़ेगी। ट्रेडिशनली फर्स्ट हाफ में कम डिमांड होता है, सेकेंड हाफ में ज्यादा डिमांड होता है बिजली का अगर आप देखेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में डिमांड और भी बढ़ेगा। सर, एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। एक तो यह है कि जैसे कोल प्राइसेस अब काफी नीचे हैं, तो और कितना पासन होने की पॉसिबिलिटी है, और बिजली की जो दरें हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, एक चीज तो ये। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि जब से मोदी सरकार आई है बीते 14-15 महीनों के कामकाज में कोल रिफॉर्म्स को लेकर सरकार ने काफी काम किया है। कोल रिफॉर्म्स नहीं थे उसका भुगतान हिस्टोरिकली बीते एक दशक में NTPC ने काफी किया है। दूसरा सवाल ये है मेरा, और ये जो कोल रिफॉर्म्स की ही बात कर रहा हूं सर, तो आपने पदभार संभालने के बाद जो कोल इंडिया के साथ आप लोगों के भेदभाव रहे हैं या फिर जो टसल रहा है उसको आप लोगों ने कितना एड्रेस करने की कोशिश की है? देखिए, मेरा पदभार अभी तो 22 दिन का ही है, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो कोल इंडिया के साथ हमारा, एक तो कोल प्रोडक्शन बढ़ा है पिछले सरकार की जो भी मेहनत रही, सरकार की जो भी मेहनत रही है उसके हिसाब से हमारा पिछले साल कोल स्टॉक आप देखेंगे क्रिटिकल था, 2 दिन 3 दिन 1 दिन का स्टॉक होता था प्लांट्स में। आज हमारा एवरेज स्टॉक NTPC एज ए होल 16 दिन का कोल स्टॉक है, जो कि बहुत कंफर्टेबल माना जा सकता है। जहां तक कोल इंडिया से इश्यूज का सवाल है, इस सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। एक अच्छी बात यह है इस सरकार में कि कोल का विभाग और जो बिजली का विभाग है वो एक ही मंत्री के पास है, इसीलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में बहुत मदद मिली है, और हम लोग दोनों इस पते पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे कम हो। पिछले 7-8 महीने में हमारे डिफरेंसेस काफ़ी कुछ कम हुए हैं, और जो हमारे डिस्प्यूट्स थे रिगार्डिंग द क्वालिटी वो हमारे 2-3 कोल सब्सिडियरी के साथ तो बिल्कुल ही कम हो गए हैं। 1-2 के साथ अभी चल रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में जैसे हमारे थर्ड पार्टी सैम्पलिंग के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं हम लोग इसको ठीक करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चूंकि हमारा एक बड़ा लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है इसीलिए छोटे मोटे इश्यूज तो इसमें आते ही रहते हैं, इसीलिए इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर्स ऑफ द कोल इंडिया, पेइंग कस्टमर्स ऑफ द कोल इंडिया, एंड कोल इंडिया इज ऑल्सो ऑलवेज हेल्पिंग अस वेन एवर वी आर इन ए क्राइसिस, इफ दे हैव कोल वी आर द प्रेफर्ड कस्टमर फॉर देम। That is what I can say. जी मिस्टर झा, आपने एक सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। सस्ता कोयला सस्ती बिजली में तब्दील होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे व्यूअर्स के लिए सवाल है, हमारे आम कंज्यूमर्स के लिए सवाल आपको है। बताया जी, बिल्कुल सस्ता कोयला हमारा जैसे मॉडल है, सस्ता कोयला जब भी मिलेगा ये कंज्यूमर्स को पास ऑन होता है। जहां तक डोमेस्टिक कोल का सवाल है, आपको पता है कि डोमेस्टिक कोल का रेगुलेटेड फिक्स प्राइस होता है, वो अप डाउन नहीं होता है, इसीलिए हम जहां डोमेस्टिक सोर्स कर रहे हैं वहां हमारा प्राइस वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन हमने एक मॉडल जो इस सरकार ने शुरू किया, बहुत अच्छी पहल थी सरकार की, कि GSPCL के साथ में हमने कोल स्वैपिंग किया, जिसमें कि इम्पोर्टेड कोल जो हम गुजरात से लेकर यहां आते थे अपने सीपत प्लांट के लिए वो हमने गुजरात को दे दिया, और गुजरात के प्लांट में जो समुद्र किनारे था और जो छत्तीसगढ़ से कोयला जाता था उसको हमने अपने सीपत प्लांट में यूज कर लिया। इससे दोनों कंपनियों को 160 करोड़ का फायदा हो गया कोल बिल में, जो कि कंज्यूमर को पास ऑन हो गया। तो हमारा जो भी सेविंग होता है कोल के क्षेत्र में वो कंज्यूमर को पास ऑन होता है, और हम डोमेस्टिक कोल में ऐसे और भी रेशनलाइजेशन कर रही है ये सरकार, जिससे कि ग्रेजुअली कंज्यूमर को कोल का दाम कम देना पड़े, जिससे कि बिजली का दाम कम हो।
जहां तक इंपोर्टेड कोल के प्राइस का सवाल है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इंपोर्टेड ब्लेंडिंग हमारी बहुत कम होती है, 5-7% होती है, और जैसे जैसे डोमेस्टिक कोल हमारा बढ़ता है हमारी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है, इसीलिए उसका जो भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जी, मेरा एक सवाल होगा आपसे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए एनटीपीसी को करीब 700 करोड़ जुटाना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपके लिए कितनी अहम है और क्या आपको लगता है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में इसकी कितनी भागीदारी होगी? दिस इज अ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मिस्टर झा, ओवर टू यू, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में काफी सीरियस प्रयास है और जो हमने अभी अपने लिए टारगेट रखा है, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें जो 2022 तक जो 1,00,000 मेगावाट सोलर करने की है, उसमें एनटीपीसी के लिए हमने कमिटमेंट दिया है 10,000 मेगावाट सोलर करने के लिए और 15,000 मेगावाट सोलर जो प्राइवेट डेवलपर डेवलप कर रहे हैं उनको नेशनल सोलर मिशन में एनटीपीसी ट्रेडिंग खरीद के और उनको डिस्कॉम को बेचेगी और रियलाइजेशन करेगी और कंज्यूमर इसको पास ऑन करेगी डेवलपर्स को। इसके तहत हमारा जो पहला ट्रांच है एनटीपीसी का उसमें 3,000 मेगावाट हमने करना था, उसमें से हमने 250 मेगावाट का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में बन रहा है, 1,210 मेगावाट का हमारा ऑलरेडी टेंडर हो गया है जो हम इस साल के अंत में ऑर्डर कर देंगे और बाकी जो हमारा है 1,800 वो हम अगले साल ऑर्डर कर देंगे। तो 700 करोड़ रुपए कहां से जुटाएंगे? अगर आप रिन्यूएबल देखेंगे जी, ये 700 करोड़ तो हम टैक्स फ्री बॉन्ड से ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में भी, जैसे आपने कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा कि हम 5,000 करोड़ और जुटा रहे हैं मार्केट से जो कि हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में लगेंगे। ये जो हमें सोलर के लिए जो हमको टैक्स फ्री बॉन्ड मिला है सरकार से 1,000 करोड़ का, उसमें से 300 करोड़ हमने ऑलरेडी ले लिया है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू और ये 700 करोड़ जो है हम पब्लिक प्लेसमेंट के थ्रू ले रहे हैं और आने वाले दिनों में अगले साल भी जैसे जरूरत पड़ेगी तो सरकार की ऐसी स्कीम आएगी, इससे हमारा जो डेट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, जिससे हमारी सोलर की कॉस्ट कम हो जाती है और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सोलर पावर ज्यादा खरीदेंगे, ऐसे उनको दाम कम होगा तो वो ज्यादा खरीद पाएंगे, ये हमारी इच्छा है। उसमें एक चीज और है कि गवर्नमेंट ने हमें एक स्कीम दिया है जिसके अंदर जो 25 साल से पुराने प्लांट हैं, जैसे सिंगरौली प्लांट है हमारा, उसको उन्होंने हमें वापस किया है और हमको ये मैंडेट मिला है कि हम इसको सोलर पावर के साथ बंडल करें और ये बंडल करके जब हम बेचेंगे तो सिंगरौली के केस में जो हमारा सोलर का कॉस्ट आएगा, बंडल पावर का कॉस्ट आएगा जिसमें थर्मल भी है और सोलर भी है, दैट विल बी ओनली 3 रुपीज 15 पैसा ओनली। जी, आखिरी दो सवाल है वीरेंद्र, क्विकली। मिस्टर जा, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई सेक्टर बुरे दौर से गुजरता है, जैसे कि इस वक्त पावर क्षेत्र गुजर रहा है, कोई भी सेक्टर हो जाए वो, उसमें M&A एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती हैं या फिर जब वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा होता है। आपने कहा आपके पास अभी बोरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी खासी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपके जहन में कभी ऐसा आता है कि कोई कमेटी ऐसी गठन की जाए विद इन द NTPC के जो कि इस वक्त स्ट्रेस एसेट्स को परचेज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाए, उसके बाद से एक रणनीति बनाए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस एसेट्स बिकने को तैयार हैं, ऐसी कोई योजना है आपकी इस वक्त? हमने पिछले दिनों स्ट्रेस एसेट के लिए एक हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, उसमें हमें काफी सारे ऑफर मिले और उन ऑफर्स को हमने काफी एग्जामिन किया, ड्यू डिलीजेंस किया और अभी हमारे को स्टेट से भी ऑफर मिल रहे हैं क्योंकि स्टेट्स की भी जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो उतनी अच्छी नहीं है और जो जिनके प्लांट अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसी के तहत हमने अभी रिसेंटली पतरातू का जो प्लांट है झारखंड गवर्नमेंट का, उसमें हमारा JV एग्रीमेंट साइन हो गया है और इस महीने के अंत तक हमारा JV कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहां हम उनकी स्ट्रेस एसेट, उनकी जो पुरानी एसेट है वो ले रहे हैं और वहां हम 4,000 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड करेंगे। इसी तरह से जो रघुनाथपुर है, जो DVC का प्लांट है, वो ऑलमोस्ट रेडी है जनरेशन करने के लिए, उसमें एक रेलवे की लाइन की कमी है और वाटर लाइन की कमी है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगले वाटर लाइन अगले 3 महीने में वो रेडी कर देंगे और रेलवे का लाइन भी जनवरी या फरवरी तक रेडी हो जाना चाहिए, तो वो एक एसेट है जिसपे बात चल रही है और हम लोग उसका ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। तो हमारे को जो भी हमको इस तरह का दिखता है, जहां वायबिलिटी है, वहां हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जो हमको कंपनी के इंटरेस्ट में सही लग रहा है उसको हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मिस्टर दास, दिस इज द बिग क्वेश्चन एंड अ लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड वी वांट अ वेरी स्ट्रेट आंसर। 24 घंटे बिजली पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है और वो 2019 तक ये करना चाहते हैं। हम आपसे स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं कि आपको लगता है कि
24 घंटे बिजली का मिशन अभी कहां तक पहुंचा है और क्या ये 2019 तक पूरा हो पाएगा? एज ए एनटीपीसी चेयरमैन, व्हाट इज योर स्टेटस रिपोर्ट? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि एनटीपीसी, आपको जैसे पता है, वी आर इन द जनरेशन फील्ड, लेकिन चूंकि आपने सेक्टर से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है कि जो जिस सीरियसनेस से ये गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस तरह की इन्होंने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखी है, ये 24/7 पावर फॉर ऑल 2019 डेफिनेटली कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें जो स्टेट का सहयोग भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सारा का सारा स्टेट का दारोमदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एक हेल्प कर सकती है, फैसिलिटेटर हो सकती है और मॉनिटरिंग कर सकती है, और इस गवर्नमेंट में ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत ही सही तरीके से चल रही है। तो मुझे लगता है कि कम से कम वो जो स्टेट्स जो बहुत प्रोएक्टिव हैं इस मामले में, वहां पे ये जल्दी अचीव हो जाएगा, और जो उनको अचीव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा, तो बाकी जो स्टेट हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव कर लें, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू प्रोवाइड देयर ओन पीपल 24/7 पावर व्हेन द नेबरिंग स्टेट इज गिविंग दैट 24/7। वेल सेड सर, और आपने जिस तरह से बताया कि इस सरकार की मॉनिटरिंग जो है वो जबरदस्त है, इसका मतलब है आपको भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। थैंक यू सो मच मिस्टर झा, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी, एंड वी वॉन्ट टू विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच मिस्टर झा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अमीश इस पूरी डिस्कशन के लिए। मार्केट्स पे एक बार फिर से लौटते हैं। मार्केट्स क्या कर रहे हैं? निफ्टी करीब करीब 14 अंकों पर लगभग 7,991 के स्तर पे। एनटीपीसी को एक बार देखते हैं एक्जैक्टली, अगर आप देखें इंट्री बेसिस पे क्या कर रहा है, और एनटीपीसी करीब 124-135 पे कारोबार करता हुआ। आशीष, दो तीन स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूंगा, उसमें एनटीपीसी भी एट 124। आपके अप्रोच क्या एनटीपीसी पे? आई मीन ट्रेडेबल स्टॉक तो नहीं है इस वक्त लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, या फिर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपके पास है इस पे? वीरेंद्र, एनटीपीसी का जो स्टॉक है वो पिछले कई दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे चल रहा था। करीबन 160 की लेवल से ये 112 के लेवल को टेस्ट करके फिर वापस ऊपर की तरफ उछला है। 131 एक बहुत ही अहम लेवल साबित होगा इस स्टॉक के लिए। अगर 131 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक आता है तो इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा कि जो स्टॉक को करीबन 140 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो अगर नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो हमें रुकना होगा 131 को ब्रीच करने के लिए। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 121 ये ऐसा लेवल है, इसको ब्रीच करता है तो वो वापस 112 को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्काई के मुशावनी के लिए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल मार्केट्स अगर आप देखें, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए आप फटाफट फ्यूचर बजट के साथ।